सपनों के पूरे होने के लिए बेहद जरूरी है कि पहले सपने देखे जाएं। ऐसे ही एक सपने के साथ शुरुआत हुई थी बरेली के IIFT की, और इस वक्त हम हैं यहाँ की डायरेक्टर के साथ, मीनाक्षी खनेलवाल जी के साथ हैं हम इस वक्त, और हम इनसे बात करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई थी, ये जो पूरी जर्नी थी ये कैसी रही। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ से इतनी बेहतरीन लोग पढ़ के बाहर निकले हैं। पर मैं आपसे पूछना ही चाहूंगी, इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने के पहले जो ख्याल थे, वो ख्याल से लेके इस इंस्टीट्यूट के शुरू होने तक वो सफर कैसा था? लाइक यू नो, आप ये सोच सकते हो कि 20 साल पहले या 15 ईयर्स बैक लड़कियां या महिलाओं की क्या पोजीशन थी, पूरे इंडिया में ही कहूँगी मैं। और उस समय काम को लेकर ना बड़ा अजीब तरह से सोचा जाता था, और अरे काम क्यों करोगे, फिर घर में लाइक ये होता था कि घर में ही रहना है, खाना बनाना सीखना है, और फिर आगे भाई शादी करके आपको सेटल होना है। तो बट मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज वही मैंने कहा ना कि सोच होना ज़रूरी है, सपने देखना ज़रूरी है। आई वॉज ऑलवेज के नहीं, मुझे तो कुछ करना है, मेरा खुद का नाम होना चाहिए, बिकॉज फिर मैं लाइक आई एम जस्ट अ डॉटर ऑफ सो एंड सो एंड मदर ऑफ सो एंड सो, या फिर वाइफ ऑफ सो एंड सो बन के मैं नहीं रहना चाहती। मेरे को तो अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए मेरी, क्या भाई मीनाक्षी खंडेलवाल, पीपल नो मी बाय माय नेम, नॉट बाय कि ये सो एंड सो की कुछ है। तो दैट वाज ऑलवेज इन माय माइंड, एंड आई वांटेड समथिंग यू नो कि होना चाहिए लाइफ में, ये नहीं चाहिए मेरे को। और एक चीज़ होती है मैनेजमेंट, लाइक आजकल मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि इनके साथ ना परेशानियाँ लाइक प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी होती है, प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी होती है, मैनेजमेंट करना नहीं जानते। इन्हें ये सोचना चाहिए इनका फ्यूचर प्रायोरिटी है, इनकी पढ़ाई प्रायोरिटी है, इनका करियर भी प्रायोरिटी है। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो दे आर नॉट द ओनली वन, है ना, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो सबके साथ हैं जिंदगी में। और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है, फेस करना है, उनसे लड़ना है। तो मैम, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस कर लड़कर आपने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, आपने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जो कि इतना बेहतर कर रहा है सब बरेली में। तो इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने के बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं इस इंस्टीट्यूट में, कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं? देखो, जब स्टार्ट किया था फैशन, एक तो फैशन नाम आते ही लोगों के दिमाग में चलने लगता है, अरे लड़की को बिगाड़ दिया जाएगा या उसे मॉडल बना दिया जाएगा। आई डोंट नो व्हाई पीपल रिलेट इट विद मॉडलिंग, हम मॉडलिंग नहीं सिखाते, हम तो डिजाइन करना सिखाते। और अगर सिखाते हैं तो उसमें भी क्या हर्ज है? नहीं, ठीक है, जब हम सिखाते ही नहीं है तो नहीं, हम मतलब अगर मॉडलिंग भी एक पेशा है तो लोगों को उससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर उसे फैशन से जोड़ा जा रहा है तो भी, अगर जोड़ा जा रहा है तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये एक डिज़ाइन लाइन है जिसमें आप गारमेंट्स को डिज़ाइन करना, या इंटीरियर डिज़ाइन अगर आप सीख रहे हो तो उसमें से हाउस मतलब घरों को डिज़ाइन करना आपको सिखाया जा रहा है, जो कि शायद कपड़े तो हम सभी पहनते हैं और कभी हम कपड़े पहनना भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। कभी ऐसा हो कि भाई यहाँ पे कुछ रुक जाएगा या इसमें करियर नहीं है, लाइक मैंने अभी कुछ सुना, बच्चे कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब, व्हाई गो फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली। देखो, ये जो एक डिज़ाइन जो एक लाइन है ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी लाइन है। इसका रीज़न ये है कि आप कल को अपनी फैमिली देखते हुए अपना घर पे भी काम शुरू कर सकते हो, एंड आई कैन टेल यू पीपल आर मिंटिंग मनी। मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट करके अपनी BMWs तक खरीदी हैं, कुछ अपने इंडिपेंडेंट है ना एंटरप्रेन्योर बन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बात भी कर रही है कि यू नो स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, कि आप एक लीडर बने, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो अगर लड़कियां उस फील्ड में, लड़कियां क्या मैं कहती हूँ, कोई भी इस चीज़ में आगे बढ़े सोच को लेके, तो बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मैम, ये बताइए, आपके इंस्टीट्यूट से अभी हमने देखा आपकी डेस्क पे कि प्रियंका चोपड़ा की फोटो थी, तो वो हैं बरेली की, लेकिन उनका भी आपके इंस्टीट्यूट से एक रहा है? एक रहा है रिश्ता हमारा प्रियंका के साथ, और वो हमेशा हमारे शोज में आई हैं, और बहुत प्यारी लड़की थी वो, जब अब तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है कि बरेली से कोई कुछ कर नहीं सकता या कहीं पहुँच नहीं सकता, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए है, सपने देखना ज़रूरी है, उनसे लड़ना ज़रूरी है, और उन्हें एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि अरे ये हो गया, मतलब कभी कई बार स्टूडेंट्स होते हैं ना, मल्टीपल उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वाई
प्रॉब्लम से लड़के आप अपनी भी तो प्रायोरिटी देखो, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी है ना। पेरेंट्स सोचते हैं बट अदरवाइज नोबडी थिंक अबाउट यू, है ना। ये थी मीनाक्षी खनेलवाल, जिनका कहना है कि सपने देखना जरूरी है, तभी सपने सच हो पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हर एक औरत को अपने लिए सोचना चाहिए, किसी से रिलेटेड हो कि उनकी एक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, उनकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जैसे कि आप खुद हैं, वैसे आप हर वक्त कोशिश कर रही हैं कि यहाँ से जो पढ़ के निकले उसकी भी अपनी आइडेंटिटी हो। हमारी डेली इंसाइडर की तरफ से आपकी पूरे इस इंस्टीट्यूट को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका इंस्टीट्यूट बुलंदियों को छुए और यहाँ से बच्चे निकल कर और नाम कमाएं। थैंक यू सो मच।